नमस्कार, मैं आरती यादव और आज यहाँ पर हम बात करने वाली यूपी में सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसका एग्ज़ाम 30 जुलाई को हुआ, उसके बाद इसका स्कोर आपकी ईमेल पर जारी कर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर काउंसलिंग होना बाकी है, रैंक कार्ड आपका आना बाकी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका रैंक कार्ड कब जारी किया जाएगा और काउंसलिंग कब से होगी, साथ ही साथ एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे जो आपको पहले से तैयार करके रखने हैं, कितनी फीस आपसे ली जाएगी यहाँ पर एडमिशन के टाइम, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कोई आपका डाउट है तो कमेंट करके एक बार जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी काउंसलिंग कैसे होगी। देखो, इसकी काउंसलिंग जो आपकी है वो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, पहली बात, ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी होगी। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर सबसे पहले 500 रुपये पे करने पड़ेंगे जो इसकी वेबसाइट पर जाके होंगे। दूसरी बात, जब आपको वहाँ पर सीट मिल जाएगी तो आपको एक साथ रुपए जमा करने पड़ेंगे, एक साथ आपको रुपए एक साल के करने पड़ेंगे। एक साल के जैसे डिग्री कोर्स या बी फार्मा की सीट आपको यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर 29,500 रुपए आपको करने, या जीएनएम एएनएम में कोई आपको सीट मिलती है तो 25,000 रुपए आपको जमा करने पड़े। साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्टल भी है तो 4,800 रुपए हॉस्टल के जमा करने पड़ते हैं यदि आप वहाँ पर हॉस्टल लेते तो। दूसरी बात, यहाँ पर 170 ही सीट्स हैं, आप सभी को पता है एएनएम जीएनएम और बी फार्मा तीनों को जब जोड़ते हैं तो तीनों की सीट्स जो है यहाँ पर वो 170 ही सीट्स आपकी थी, जैसा कि आप सभी को पहले से पता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी फीस और जो काउंसलिंग है वो कब होगी वो अभी हम आपको आगे वेबसाइट पर दिखाएंगे चल के, लेकिन जो ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी होती है इस बात को ध्यान रखें और पहले से आपको ये 500 रुपये पे करने पड़ेंगे तभी आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर पूर्णता फीस देखी जाए तो हॉस्टल यदि आप वहाँ पर लेते हैं तो 34,300 रुपये आपसे लगेंगे डिग्री कोर्स के लिए, और डिप्लोमा कोर्स के लिए 29,800 रुपये देने पड़ते हैं। वहीं यदि आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो 29,500 रुपये आपको डिग्री के लिए और 25,000 आपको डिप्लोमा कोर्स के लिए देने पड़ते, वो भी एक साल के, वार्षिक है ये, फिर दूसरी साल में आपको देने पड़ते और रुपए, ठीक है। यदि आपकी प्रशिक्षण शुल्क देखी जाए तो केवल यहाँ पर जो 22,000 रुपए जो केवल डिग्री जो कोर्स है उसके लिए केवल 22,500 फीस है, लेकिन जो कासन मनी जो आपसे 5,000 रुपये जो यहाँ लगते हैं वो आपके कोर्स जब आप कर लेते हो वापस तो आपके वापस भी कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है जो केवल प्रवेश के समय यहाँ पर आपसे लिए जाते हैं, इतनी बात आपको क्लियर हुई। हॉस्टल की जो यहाँ पर फीस लगती है वो 4,800 रुपये फीस लगती है, यहाँ पर हॉस्टल भी है आपका, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए दोनों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी उपलब्ध है और अच्छा खासा हॉस्टल है, कोई बेकार नहीं है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं जब आप एडमिशन के लिए वहाँ जाएंगे, आपका यदि एडमिशन वहाँ होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार करके रखने होंगे जो आपके काउंसलिंग के समय जब आप जाएंगे पढ़ने के लिए एडमिशन कराने के लिए, तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स की दो दो टू कॉपी लेके जानी होगी, दो दो प्रतिलिपियां लाना आवश्यक होगा, वो भी कैसे, मूल ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाने, साथ ही साथ उसकी दो दो टू कॉपी भी आपको लेके जानी है, ठीक है। अब आपको कौन कौन से, तो एक आपका प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड आप पेपर देने के लिए गए थे वो एडमिट कार्ड आपका सुरक्षित होना चाहिए, उसे खोना बिल्कुल भी नहीं, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रवेश पत्र और साथ ही साथ अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर आपका आएगा वो डाउनलोड करके वो आपको लेके जाना है, कौन सी सीट आपको मिली वो अलॉटमेंट लेटर में ही पता चलेगा। उसके बाद हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 12th की मार्कशीट, यदि आपने बीएससी का कोई डॉक्यूमेंट्स लगाया तो बीएससी के डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाए ओरिजिनल, जाति प्रमाण पत्र, और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, जाति प्रमाण पत्र आपका 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ एडमिशन जब आप कराओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ओबीसी स्टूडेंट्स खासकर, और ईडब्ल्यूएस जिनके पास है उनका भी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद यदि आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या दिव्यांग या ईडब्ल्यूएस कोई डॉक्यूमेंट्स यदि आपका लगा है तो वो भी अपना लेके जाएं और ओरिजिनल लेके जाएं, ठीक है, टू कॉपी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र अपना लेके जाइएगा,
डोमेंशियल सर्टिफिकेट, सती साथ चरित्र प्रमाण पत्र सीसी आपका करेक्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, टीसी आपके पास होनी चाहिए, माइग्रेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, ये आप स्कूल से आप ले सकते हो जाके जहाँ से आपने इंटर की हुई थी। साथ ही साथ आपको ये 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बनवाने पड़ते हैं जो तहसील में जाके बनते हैं, ये आप वहीं बनवा सकते हो सैफई जाकर, जब आप एडमिशन कराने के लिए आए हुए तो वहीं पर आप बनवा सकते हैं, सैफई बन जाते हैं वहीं पर, ठीक है, नहीं तो आप अपनी तहसील से भी बना के ला सकते हैं। तो ये दो बनेंगे, साथ ही साथ आधार कार्ड की फोटो आपको लेके जानी है, और साथ ही साथ फोटो लेके जानी है लगभग 4 से लेके हमारे हिसाब से लगभग आपको 7 से लेकर 8 फोटो अपने साथ रख लेनी है, ठीक है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई हुई थी। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसका रैंक कार्ड कब जारी होगा, काउंसलिंग कब से होगी, तो चलिए हम आपको इसकी वेबसाइट पर लेके चल रहे हैं। तो देखिए हम आपको इसकी वेबसाइट पर लेके चल रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे UPUMS लिखना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको पहले ही नंबर पर वेबसाइट इसकी मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको पहले ही नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज खुल के आएगा जो मेन पेज इसका होगा, जिसपे लिखा होगा आगे ही पेज पर आपको जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा CP NET 2023 से यहाँ लिखा होगा, ये इनकी वेबसाइट है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज और खुल के आएगा जहाँ से आपने अपना फॉर्म भरा हुआ था, एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था, वहीं से जहाँ से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था वही वेबसाइट इनकी है। तो यहाँ पर आप सभी को दिखा देते हैं कि अभी तक यहाँ पर रैंक कार्ड की कोई डेट जारी नहीं की गई या काउंसलिंग के लिए कोई डेट जारी नहीं की गई है कि कब काउंसलिंग हो सकती है और कब आपका रैंक कार्ड जारी हो सकता है। लेकिन हम आपको बता देते हैं तो इसका रैंक कार्ड जो है वो कब तक जारी हो सकता है, तो ये अब सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले हमें तो नहीं लगता है कि आपका जारी किया जाएगा। हमारे हिसाब से देखा जाए, यहाँ कंफर्म डेट तो हम नहीं बता सकते हैं, हो सकता है कि आपको सितंबर अगस्त के लास्ट में मिल जाए, 30 या 29 तारीख को मिल जाए, या आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप इंतजार करिए, और इससे पहले यदि आ जाता तो अच्छी बात है। और हमारे हिसाब से अब आप सभी लोग एक काम करिए, इनकी ईमेल पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिए कि कब मेरा जो आगे की प्रोसेस है वो स्टार्ट करो, काउंसलिंग स्टार्ट करो, जिससे मेरी जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डेट अभी तक इन्होंने जारी नहीं की। आप सभी बार बार कमेंट कर रहे थे कि मैम बताओ इसके बारे में क्या आगे होगा, तो इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने पड़ी, ठीक है। तो यहाँ डेट नहीं जारी की गई है, लेकिन हो सकता है कि अब सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी कोई डेट आ जाए। मेरे हिसाब से इससे पहले आ जाती है तो और अच्छी बात है, और जैसे ही कोई डेट आती है तो आपको बता दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे की अपडेट जो भी होगी वो आपको हम लगातार देते रहेंगे। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।